गाइस सिर्फ 27 रुपए का ऐसा बेहतरीन फेशियल जो आपके फेस पे सारी पिगमेंटेशन को सारी सन बर्न को इनफैक्ट अगर आपके फेस पे झाइयों के मार्क्स है ना या पिंपल एक्ने के मार्क्स हैं वो भी इतने बढ़िया तरीके से दूर होंगे कि आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे। ट्रस्ट मी इसका रिजल्ट इतना बेहतरीन आने वाला है ना, प्लीज अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। कमेंट में बढ़िया सा प्यार दे दो और उसके बाद जब इस फेशियल को कर लोगे ना तो उसका प्यार भी जरूर बांट देना, लेकिन वीडियो कर देना जमकर शेयर। ऐसा नहीं कि कई लोगों से शेयर मत करो बल्कि अपने फैमिली मेंबर से, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, अपने फ्रेंड सर्कल से, ताकि सब आपको बोलते रह जाएं कि क्या बढ़िया फेशियल शेयर करा है। मेरा आज का फेशियल बॉयज एंड गर्ल्स दोनों कर सकते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट दोनों के लिए बहुत बेहतरीन है। तो आप भी अगर वैलेंटाइन से पहले चमकना चाहते हैं तो उस फेशियल को जरूर ट्राई करें। छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि मुझे बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन होती है बिकॉज जब मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज का शूट करती हूँ तो कड़ी धूप में करना पड़ता है जिससे मेरी स्किन का टेक्सचर बहुत जल्दी डार्क हो जाता है। तो जब मैंने इस फेशियल को किया इतना ह्यूज डिफरेंस मुझे फील हुआ सिर्फ वन टाइम के इस्तेमाल के बाद, तो मुझे लगा फटाफट से वीडियो शूट करके आप लोगों के सामने लाना चाहिए। तो डेफिनेटली इसको कंटिन्यू रखना, कैसे बनाना है कैसे लगाना है देखते रहिए मेरे साथ। आपको अपने फेस को क्लींस करने के लिए लेना है यहाँ पे 3 चम्मच कच्चा दूध। कच्चा दूध आपके स्किन को बहुत अच्छे से डीपली क्लीन करता है, उसकी डस्ट और इम्प्योरिटीज को निकालता है और आपके स्किन के टेक्सचर को एकदम फ्लॉलेस लुक देता है। आपकी स्किन का कलर भी इससे फेयर हो जाता है। अब बारी आती है स्क्रबिंग की। स्क्रबिंग के लिए सबसे पहले हमें लेना है 1 चम्मच आटा। हम यहाँ पर आटे का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, जो नॉर्मल आटा होता है वो हमारे जितने भी बेबी हेयर्स होते हैं फेस पे, आपने देखा है फेशियल हेयर्स होते हैं, उसको ये बहुत अच्छे से क्लींस करेगा। तो स्क्रबिंग भी आपकी हो जाएगी, आपकी स्किन से जितनी भी डेड लेयर है वो तो जाएगी जाएगी और साथ में जितना भी आपका जो छोटे छोटे बाल हैं वो भी क्लीन हो जाएंगे। उससे क्या बेनिफिट होगा, आपकी स्किन ज्यादा नीट और क्लीन नजर आएगी। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 स्पून रोज वाटर। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच हनी। हनी हमारी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और आपकी स्किन में ग्लोइंग और ड्यूअर इफेक्ट देता है। जैसे आप हाइलाइटर लगाते हैं, आर्टिफिशियल लाइटर का यूज करते हैं, वैसे अगर आप हनी का इस्तेमाल करेंगे फेस पैक में तो आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेस हो जाएगी। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 विटामिन ई कैप्सूल के ऑयल। तो विटामिन ई का कैप्सूल आपकी स्किन से सारे टेक्सचर को इवन करेगा, जितने भी आपके डार्क स्पॉट्स हैं उनको दूर करेगा और साथ में आपकी जितनी भी झाइयां हैं, आपकी स्किन जितनी भी डल पड़ गई है उनको भी धीरे धीरे लाइटन करेगा। तो चलिए अब इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसको अपनी फिंगर टिप्स पे लीजिए और जैसे मैं आपको स्क्रब करके दिखा रही हूँ इस तरीके से आपको अपवर्ड पोजीशन में फेस के, जैसे हमारे बाल नीचे की तरफ हैं तो ऊपर की तरफ आपने स्क्रबिंग करनी है ताकि जितने भी आपके बेबी हेयर्स हैं वो भी साफ हो जाएंगे, आपके टेक्सचर भी सुधरेगा, डेड स्किन भी निकल कर बाहर आ जाएगी। आपको अपने फेस को बहुत जेंटली स्क्रब करना है। बहुत लोग ये कंप्लेन करते हैं कि स्क्रब के बाद एक्ने हो गया क्योंकि आप बहुत तेज अपने फेस को रब कर देते हो। तो जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ सेम आपको इसी प्रोसेस से रब करना है और 2 से 3 मिनट के ज्यादा आपको स्क्रब यूज नहीं करना। इसका इस्तेमाल आप 15 डेज में एक बार जरूर करिएगा अगर आप अपने फेस का टेक्सचर को सुधारना चाहते हैं। तो अब बस नॉर्मल पानी से आप वॉश कर लीजिए और आप देख सकते हैं फेस का डिफरेंस। मेरी पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा थी और आप पहले और अब में डिफरेंस खुद नोटिस कर सकते हैं। अब स्क्रबिंग के बाद बारी आती है मसाज क्रीम बनाने की। तो मसाज क्रीम के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, लाल मसूर दाल। लाल मसूर दाल का हमें पाउडर बनाना है मिक्सी में ग्राइंड करके। यहाँ पर आपको लाल मसूर दाल के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं लेना, वो इसलिए क्योंकि जो हमारी जितनी भी पिगमेंटेशन है उसको ट्रस्ट मी इतने बढ़िया तरीके से ये रिमूव करेगा ना कि आप बिफोर एंड आफ्टर खुद देख के हैरान हो जाएंगे अपने फेस में। आपके स्किन के टेक्सचर को इतना फ्लॉलेस बना देगा और अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी स्किन के टेक्सचर में इम्प्रूवमेंट होते हुए देखेंगे। साथ में आपके स्किन में जितने भी पिंपल के मार्क्स हैं, एक्ने मार्क्स हैं, उनको दूर करता है, आपके स्किन के कलर को ग्लोइंग लुक देता है। यहाँ पे लिया है मैंने 1 चम्मच लाल मसूर पाउडर। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 चम्मच एलोवेरा जेल। साथ में ऐड करूंगी इसमें विटामिन ई के 2 कैप्सूल का ऑयल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे।
और यहाँ पर हमारी मसाज क्रीम रेडी है। अब इसको फिंगर टिप्स पे लेते हुए अपने फेस पे इस तरीके से मसाज करेंगे। ऐसे मसाज करने से जैसे मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपकी स्किन पे जितने भी रिंकल्स हो गए हैं, फाइन लाइंस हो गए हैं, वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप अपवर्ड पोजीशन में जब अपने फेस को मसाज करते हैं तो इससे आपकी स्किन में कसाव आता है, आपकी स्किन में नेचुरल निखार आएगा, जितनी भी डेड लेयर है मसाज क्रीम से वो भी दूर हो जाएगी, और जब आप अपना फेस वॉश करेंगे तो अपने फेस का ग्लो खुद देखकर हैरान हो जाइएगा। और जो आपके इफेक्ट आए, ऑनेस्ट कमेंट जरूर करना इस चीज का। तो यहाँ पर आपको करना है 10 से 15 मिनट के लिए मसाज। मसाज करने के बाद आप नॉर्मल पानी से धो लीजिए। तो उसके बाद अब बारी आती है फेस पैक बनाने की। तो फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक खाली बाउल, उसमें डालना है आपने एक चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा तो आप जानते हैं कोरियन स्किन का कितना बड़ा राज होता है, उनकी स्किन आपने देखी कितनी फ्लॉलेस और कितनी यंग होती है। चावल का आटा क्या करता है, आपकी स्किन वाइटनिंग के साथ साथ एंटी एजिंग का काम भी करता है। ये आपकी झुर्रियां फाइन लाइंस को दूर करता है, और अगर आप इसको स्टार्टिंग से इस पैक को लगाना शुरू करेंगी तो आप खुद नोटिस करेंगी कि आपकी जो एजिंग है फेस की वो बहुत स्लो डाउन हो गई है, आपकी स्किन पे एक अलग सा निखार और वाइटनिंग इफेक्ट देता है, तो आपका फेस एकदम चमकेगा बहुत अच्छे तरीके से। तो आपने यहाँ पे लेना है एक चम्मच चावल का आटा, उसके साथ आपने कोई भी सीजनेबल फ्रूट लेना है। मैं यहाँ पर ले रही हूँ संतरा, क्योंकि इसमें होता है विटामिन सी। विटामिन सी के हम इतने सारे सीरम्स यूज करते हैं, लेकिन वो होते हैं मार्केट वाले, आपको नहीं पता कि उतने ज्यादा प्राइस में जो आप खरीद भी रहे हैं उसमें कितनी क्वांटिटी ऐड की गई है। तो अगर आप अपने फेस से पिंपल्स एक्ने को खत्म करना चाहते हैं, टैनिंग को रिमूव करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली विटामिन सी ये वाला यूज करिए। तो यहाँ पे मैंने लिए है संतरे की एक फाड़ी, उसका जूस निकाल लेंगे इस तरीके से, तो वहां पे आप ऐड कर लीजिए। साथ में हमें ऐड करना है अपना मेन इंग्रेडिएंट जो इस फेशियल का हीरो है, विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल। तो यहाँ पे मैंने 2 कैप्सूल्स का ऑयल लिया है, आप उसको अच्छे से उसके बाद मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आपको फिंगर टिप्स की हेल्प से या किसी ब्रश की सहायता से आप पूरे फेस पे इस तरीके से अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद ध्यान रखिएगा कि आपको कोई भी फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं देने, आपको किसी से बात नहीं करनी 15 मिनट तक, आपको अपने फेस के कोई भी स्माइल या कोई भी एक्सप्रेशंस आपको नहीं देने, क्योंकि जब हम कोई पैक लगा के एक्सप्रेशंस देते हैं, बात करते हैं, तो हमारे फेस पे झुर्रियां बहुत जल्दी पड़ने लगती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 15 मिनट बाद आप अपने फेस को हल्का हल्का टैप करके थोड़ा थोड़ा पानी लगा के सर्कुलर मोशन में अपने फेस को घुमाइए, इस तरीके से मसाज करिए और अपने पैक को वॉश कर लीजिए। तो गाइस, कैसा लगा ये बेहतरीन सा फेशियल? आज का वीडियो जो मैंने बनाया है वो स्पेशली बनाया है गौरव शर्मा जी के कहने पर, जो लखनऊ से हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि उनकी वाइफ के लिए कुछ बेहतरीन सा फेशियल बताएं जो मैंने बनाया। तो अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम लेकर आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करो, शेयर करो और यूं ही प्यार देते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।